मिट्टी दी मैक्स तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल, मैं हाँ बलविंदर। तो अज असी आ गए हाँ दसूहा। दसूहे बारे आख्या जाता कि किसी वेले दासूआं दा शहर से, भाव दासां दा, गुलामां दा शहर से। लेकिन बाद दे विच इसका नाम महाभारत युग के वेले विराट राजे की विराट नगरी नाल जोड़ दिता गया। दसूहे दे विच कुछ पुरानियां इमारतां ने, पांडवों का बनाया सरोवर है, तो होर विरसे विरासत नाल जुड़ियां चीज़ां ने। अज असी दसूहे नूं देखांगे घूम फिर के, इस दे विरसे विरासत ते होर पुरातन चीज़ां की तफरी करांगे। आओ चलदे आं, देखिए घूम फिर के मिट्टी की महक दे विच दसूहे नूं। बाजार लंघदियां पुछदियां पुछदियां मैं आ गया हाँ दसूहा दे प्राचीन पांडव सरोवर ते। दसा जाता है कि यह पांडवों ते विराट नगरी दे राजे नूं लैके इत्थे एक खास किस्म की पूरी हिस्टरी इत्थे क्रिएट हुई। और हुण भी जदों अमरनाथ दे यात्री इत्थों दी लंघदे ने, खास तौर पर यह हाईवे हैगा, तो इत्थे रुक के आराम करते हैं, भोजन छकते हैं, लंगर छकते हैं, तो अगले दिन इत्थों तुरते हैं। इत्थे बड़ी सारी भोले जी की मूर्ति भी बनी हुई है, लेकिन ये अंदर मंदिर हैगा जिहड़ा सरोवर, पांच पांडव सरोवर के उत्ते मंदिर बनाया, वह दर्शन करते हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बहुत सोहना, पूरा गुबंद एक वक्रे ढंग बनया है, छतरी नुमा गुबंद है। ये ना तो दक्षणी भारतीय मंदिरों वांगू उच्चे गुबंद दे विच है, तो ना ही मुगलिया वेले दे बने हिंदू मंदिरों वांगू बिल्कुल पद्धरा हैगा। और ये बहुत आधुनिक ढंग बनया है मंदिर हैगा। इसके अंदर लगभग सारे हिंदू देवी देवते जिन्ने कि इत्थे स्थापित हो सकते स्थापित किए हैं, शिव तो लैके राम जी तो लैके कृष्ण जी तो लैके विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सारे इत्थे देवते, दुर्गा जी इत्थे ने। और इत्थे खास तौर पर दसूहे चो लंघदे आ अमरनाथ की यात्रा जो होंगे तो बहुत सारे श्रद्धालु इत्थे आते हैं, मत्था टेकते हैं, इत्थे ठहरते हैं, आराम करते हैं, लंगर छकते हैं, फिर वो अमरनाथ में निकलते हैं। इसलिए इस मंदिर की खास तौर पर दसूहे दे विच, इस सरोवर दे विच बने इस आधुनिक मंदिर की काफ़ी सारी खासी मान्यता हैगी है हिंदू यात्रियों ते तीर्थ यात्रियों दे विच। दसूहे दे विच ये हैगा प्राचीन पांडव सरोवर। दसा जाता है कि जो पांडव जुए दे विच सारियां शर्तां हार गए, राजभाग हार गए और उन्होंने वनवास लेना पिया, तब 12 साल का वनवास कॉमन जहा सीगा, सधारण सी, लेकिन 13वां जिहड़ा साल सीगा वह अज्ञातवास का सीगा, यानी कि जिहड़े पांडव ने वह कितने नज़र नहीं आने चाहिए। दसा जाता है कि यह दसूहा उस वेले राजा विराट की नगरी सी। राजा विराट बहुत हतैशी सीगा पांडवों का, उन्होंने चंगा समझता सी, इसलिए 13वें साल के पांडवों ने इस थान के उत्ते आके राजा विराट तो शरण ली। अगली गल कि नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, दुर्योधन सारे अपने अपने काम पर लगे हुए सी। नकुल सहदेव गावां चारदे सी राजा विराट दियाँ, लेकिन गावां नूं पीण लई पानी चाहिदा सी, इसलिए जदों ये समस्या दसी भीम नूं नकुल ते सहदेव ने कि उन्हां दे पीण लई पानी नहीं, गर्मियां च पानी सुक जांदा, तां भीम ने कसी दे 2.5 टक ला के ये सरोवर चों पानी कढ़िया। उस तो बाद यह बहुत वड्डा सरोवर बन गया, शायद यह पंजाब दा नहीं हिंदुस्तान दा सब तो प्राचीन सरोवर है, इस काल नाल जोड़ के, इतिहास नाल जोड़ के, जे मिथिहास नाल जोड़ के देखा जाए। लेकिन इस सरोवर के उत्ते अज एक खूबसूरत मंदिर बनया जिहड़ा बहुत आधुनिक मंदिर है। इस तरह मैं कह सकदा कि सरोवर के उत्ते, प्राचीन सरोवर के उत्ते एक आधुनिक मंदिर जिहड़ा उसरिया होया, उस दो कालां दे शरदा दे आस्था दे दो कालां नूं जोड़ के किवें रख रहा, ये इत्थे आके पता चलता हैगा।